चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ, तो आज मैं जिस ब्रांड की बात करने वाली हूँ वो ब्रांड है सैनफे। तो काफ़ी अच्छा जो है ये ब्रांड है, इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, जैसे कि इसके फेस सीरम्स हैं। तो फर्स्ट जो इसमें फेस सीरम है वो है सैनफे का फेस सीरम शॉट्स। तो ये जो है कंट्रोल करता है एक्सेस ऑयल को, अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है या फिर आपको लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सीरम बहुत अच्छा है। इसमें नियासिनामाइड 10% है जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ इस तरीके का जो है इसमें सीरम होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसकी जो वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी बिल्कुल इस तरीके से इजीली जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। तो अगर आपकी स्किन में काफ़ी सारे जो है एक्ने हैं, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्सेसिव ऑयल की आपको प्रॉब्लम है, तो ये वाला जो फेस सीरम है वो ऑयल को कंट्रोल करता है, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों की ऑयली स्किन होती है उन्हीं को एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये फेस सीरम उन्हीं के लिए मेनली बनाया गया है। और तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं फेस पे, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसको आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या अपना कोई भी मेकअप करने से पहले इस सीरम को आप ज़रूर अप्लाई कर लें अपने फेस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्टिव है। इसके बाद जो इसमें सेकेंड फेस सीरम है वो है ये सैनफे का ही, इसमें है फेस सीरम शॉट। ये रिड्यूस करता है अगर आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट्स हैं आपके फेस पे, तो इसके अंदर जो है सैलिसिलिक एसिड है 2%। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है तो ये उसको रिमूव करता है। ये जो सीरम है ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट सीरम है, और इसको भी अप्लाई करने का एक तरीका है कि जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं देन उसके बाद आप इसको अप्लाई करने के बाद इसको आप छोड़ दें, एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ही ईजीली ये। और कोई भी अगर आप मॉइस्चराइज़र या मेकअप कर रहे हैं आप उससे पहले ही इस सीरम को अप्लाई करें। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके इस साइड पे, नोज़ की साइड पे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं तो वो अपने आप जो है धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा जो है सैनफे का ये वाला जो फेस सीरम है वो भी। उसके बाद जो इसमें थर्ड प्रोडक्ट है वो है फेस लश क्रीम। ये इस तरीके की सैनफे की क्रीम है, तो इसमें शिया बटर है, एलोवेरा है। अगर ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ हैं, एक्सेसिव ऑयल आता है फेस पे, और एक्ने की प्रॉब्लम अगेन अगर होती है आपको, तो एक्ने प्रॉन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों को एक्ने रहते हैं वो लोग इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं सैनफे की। ये काफ़ी जो है लाइट वेट क्रीम है, हाइड्रेट करती है स्किन को अगर आपकी डल स्किन है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्किन में तो उसको भी ये रिमूव करता है, रिपेयर करता है जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं उनको ये क्रीम। तो ना कि डेली क्रीम है जो आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम है, तो एक्ने प्रॉन स्किन वाले लोग जो है इस क्रीम को लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो जिन लोगों के एक्ने होते हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, वो लोग सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो स्पेशली जो है ये एक्ने वालों के लिए ही है जिनको ज़्यादा एक्ने रहते हैं, क्योंकि मेरी स्किन पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरी डॉटर की स्किन पर है। तो ये स्पेशली जो है एक्ने प्रॉन स्किन वाले ही इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसमें है सैनफे का ग्लो क्ले मास्क। तो ये जो एक स्टिक है, इस तरीके से एक मास्क है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रीन टी एंड हायलुरोनिक एसिड है, तो ग्रीन टी जो है बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, टॉक्सिक होते हैं जो भी हमारे फेस के उनको, और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे से क्लीन कर देता है फेस को। तो ये जो है अभी पैक्ड है, इसमें ग्लास जैसी चीज़ आती है, आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, देन आप जो है इस तरीके से इसको यहाँ से निकालेंगे, रोटेट करेंगे, आप इसको रिमूव कीजिए। इसमें जो है पूरी स्टिक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ग्रीन टी फेस मास्क जो कि काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको जो है हफ्ते में दो बार इसको लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है फेस को क्लीन रखने में आपको मदद करेगा। तो ये चारों प्रोडक्ट जो हैं ये हैं सारे सैनफे के, बहुत अच्छी ब्रांड है ये, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में।